अकस्मात ही मुझे आकाश के इस क्षेत्र में दिव्य सा एक सुखद सा आभास क्यों हो रहा है? अच्छा, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के आकाश से निकल रहा हूँ मैं, इसीलिए इतनी दिव्यता का आभास हो रहा है मुझे। जय श्री राम। अब शीघ्र ही लक्ष्मण भैया स्वस्थ हो जाएंगे, माता सीता मुक्त हो जाएंगी, फिर उनके साथ ही इस पुण्य धरा का मैं स्पर्श करूंगा। प्रभु श्री राम जय हनुमान। भैया श्री राम, अयोध्या सुनी हो गई है आपके बिना, सुना हो गया है आपके अनुज भरत का जीवन, अब और विच्छोर नहीं सहा जाता। जैसे जैसे आपके वनवास का समय समाप्त हो रहा है, दिन के चार प्रहर भी चार युग के समान लगने लगे हैं। कब इन मुरझाए हुए नेत्रों को दर्शन देंगे भैया? कोई समाचार, कोई सूचना नहीं, कहां पर है, कैसे है? कोई समाचार मिल जाता तो भरत के संतप्त मन को सांत्वना मिल जाती। अकस्माती विशाल छाया क्या है ये? अवश्य ये कोई मायावी दानव है जो इस विशाल पर्वत को लेकर अयोध्या की ओर उड़ता हुआ आ रहा है। ये अयोध्या का राजभवन, मैं भी बाल अवस्था में यहाँ पर आया था। ये तो राजभवन की ओर देख रहा है, प्रतीत होता है कि पर्वत को भवन पर गिराकर भवन को नष्ट कर देगा। मुझे इसे यही रोकना होगा। मुझे विश्वास है प्रभु के चरण पड़ते ही ये समस्त अयोध्या नगरी प्रसन्न हो उठेगी, दीपों की जगमग से आलोकित हो उठेगी अयोध्या। ये क्या है? ऐसा दिव्य बाण है जिसका प्रहार मैं भी सहन नहीं कर पा रहा। अयोध्या पर गिरकर इसे नष्ट कर देगा, इसे पूर्व में से खंडित कर देता हूं। द्रोणागिरी पर्वत और ये पवित्र धरा, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, दोनों को नष्ट होने से बचाना होगा।
किसी अप्रिय घटना का आभास हुआ क्या? हनुमान, क्या हुआ माता? मुझे कुछ अशुभ घटित होने का आभास हुआ। संकटमोचन का सामना भला कोई संकट कैसे कर सकता है? राम कार्य पूर्ण करके ही आएंगे हनुमान। हनुमान विजय के प्रतीक है माता, बड़े से बड़ा संकट भी तुच्छ है उनके समक्ष। प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के प्रतिरूप प्रतीत होने वाले महापुरुष, अवश्य आप मेरे प्रभु के भ्राता राजकुमार भरत हैं। संकट मोचन है आप? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? और मेरे पिता तुल्य अग्रश्री राम भैया से आप कैसे परिचित हैं? दशरथ नंदन, पराक्रमी भरत, मैं प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त, उनका सेवक हूं। मैं उन्हीं के कार्य के लिए निकला था। भैया के कार्य के लिए? परंतु हे कपिवर, उनके किस कार्य के लिए आप इस विशालकाय पर्वत को ले जा रहे हैं, जिसने अभी अयोध्या का मार्ग बाधक किया हुआ है? भैया भरत, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। कैसा भाई हूं मैं? मेरे अग्रज और मेरी पुण्य स्वरूपिनी भाभी घन संकट में है। मैं उनकी सहायता करने के स्थान पर उनके कार्य में बाधक बन गया। मुझे क्षमा करें, ये दुखद समाचार देकर मैंने आपको विचलित कर दिया। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि भोर होने के पूर्व मैं द्रोणागिरि पर्वत के साथ वहां पहुंच गया तो भ्राता लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहें, इस युद्ध में विजय प्रभु श्री राम की ही होगी, क्योंकि धर्म कभी भी पराजित नहीं हो सकता। धर्म की रक्षा के लिए तत्पर मेरे भैया श्री राम के साथ जब तक आप जैसे महाबली योद्धा है, उनकी विजय में कोई संदेह नहीं। मात्र क्षोभ इस बात का है कि मैं उनके कार्य में विलंब का कारण बना। आप दुखी ना हो, आपसे मेरी भेंट अति शुभ है। अब औषधियों से परिपूर्ण ये पर्वत ही नहीं, मैं लक्ष्मण भैया के लिए आपकी शुभकामनाएं भी लेकर जाऊंगा। भैया की सहायता के लिए मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं राजकुमार भरत, यदि आप अयोध्या से गए तो वो कपटी रावण इस अवसर का लाभ उठाएगा। अयोध्या को संकट में डाल वो प्रभु का ध्यान बांटने की चेष्टा करेगा। इसलिए मेरे विचार से आपको अयोध्या की सुरक्षा के लिए यहीं रुकना चाहिए भैया। बस इतना आशीष दीजिए मुझे कि मैं समय रहते वहां पहुंच जाऊं। श्री राम नाम की शक्ति से मैं अवश्य ही ये कार्य पूर्ण करूंगा। प्रणाम भरत भैया। प्रणाम। शीघ्र जाइए मेरे भ्राता की सहायता के लिए।
वो देखिए हनुमान। अद्भुत। आपके आशीर्वाद से और विश्वास से मैं सफल हुआ। आप विलक्षण हैं, महान हैं हनुमान। रक्षराज सुषेण को लेने गए तो उन्हें ग्रह समेत यहां लेकर आ गए, और अब ये औषधियों से परिपूर्ण ये पर्वत। हनुमान, आपका कार्य अद्भुत है। औषधियों के साथ राजकुमार भरत की शुभकामनाएं भी लेकर आया हूं प्रभु। भरत, हनुमान, अब और विलंब उचित नहीं है। अविलंब मेरे साथ चलिए और आवश्यक औषधियों को एकत्रित कीजिए। Thank you.
प्रयास में सच्चाई हो तो बड़े से बड़े संकट टाले जा सकते हैं।